तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मौके पर आज हम आपको ले आए हैं यहाँ पे दीनदयाल कॉलेज में, जहाँ पर जो है यहाँ पे सभी गणमान्य लोग मौजूद है। यहाँ पे यहाँ के इस कॉलेज के छात्रों ने इस योग दिवस में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पंचायती राज मंत्री भी यहाँ पे आए थे। बाबा बालकनाथ मंदिर के महंत जी भी यहाँ पे हैं, पंचायत के प्रधान भी, उप प्रधान, सभी गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जिला परिषद जो संजय जी हैं वो भी मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पे। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया है, आज ये योग दिवस पूरे भारत में ही अभी तो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय डे के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आज हमने भी दो जगह भी ये कार्यक्रम किया, पहले हम सेवन स्टार स्कूल में भी गए थे, पूरा विधायक बलदेव शर्मा जी वहां साथ रहे और वहां पे भी हमने योगा डे का एक वहां पे कैंप लगा था, वहां पे भी हमने गए। और दूसरा यहाँ बीएड स्कूल दीनदयाल क्या कहते उपाध्याय बीएड कॉलेज में जी, तो ये जो करो योग रहो निरोग वाला जो एक स्लोगन है जी, उसको मैं मानता हूँ कि आज भारत वर्ष में इसका जो करो योग रहो निरोग का नारा है वो 100% सत्य होता है और सत्यापित है। लोग जो लोग योग से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं बीमारियों से या किसी कई बहुत सारे रोगों से जो है वो काफी हद तक दूर जा चुके हैं। हम देखते हैं कि जो पतंजलि योग पीठ है वहां पे सुबह सुबह लाइव में प्रोग्राम आते हैं तो बहुत सारे रोगी आदमी भी वहां पे पतंजलि में पहुंचते हैं और हमें देखने में ये भी मिलता है कि 10 या 15 दिनों के अंदर वो अपने रोगों से छुटकारा पाते हुए नजर आते हैं। तो मेरा एक संदेश ये भी रहेगा कि करो योग रहो निरोग, ये हमने जैसे इसको पूरे इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में भी इस तरह की छोटी छोटी शाखाएं यहाँ पे लगे, जो योग सिखाने वाले लोग हैं वो गांव में जाके इसको थोड़ा और भी बढ़ाएं, हम सब लोगों को सिखाएं ताकि हम सब लोग आने वाले समय में रोग से दूर हो सके, निरोगी हो सके। धन्यवाद। सर आप नौजवान है, अभी यंग है, तो आज के समय में अगर आपने देखा होगा यंग जो युवा है हमारा वो नशे की तरफ उनका ज्यादा मूवमेंट हो रही है, क्या इस तरह की चीजों से हट के जो इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो रहे उसकी वजह से ये इस तरफ जा रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? जो मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज और भी करना कहना चाहूंगा, इसके लिए मैं थैंक्स थोड़ा अनुराग सिंह ठाकुर जी को भी देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले से सांसद खेल महाकुंभ चलाया हुआ है तो उसके माध्यम से भी हमने काफी लोगों को मंडल में भी और जिला में भी और प्रदेश में भी खेलने का अवसर जो है अनुराग जी ठाकुर के द्वारा प्रदान किया गया, इससे बच्चे जो है नशे से हटके खेलों में जाएं और बहुत सारे मंच इस तरह के अभी भी खेली हुआ मामले मंत्री भी हैं तो काफी ज्यादा मंच उन्होंने अपने लेवल से भी चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना HPCA के स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम की बात हो, इस तरह के छोटे छोटे अंतर की बात हो या यहाँ पे भी हम अभी में 7-8 ग्राउंड जो है बड़े लेवल पे जा रहे हैं जी, तो लेकिन इसके साथ साथ योग भी होगा तो काफी ज्यादा जो है युवाओं को नशे से दूर जाके और काम करने का भी एक प्लेटफॉर्म। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसा भी की बात करवा संजय शर्मा जिसे तो योग को लेकर कहा कि योग करोगे तो रहोगे निरोग, क्योंकि योग का हमारे इतना विशेष महत्व है क्योंकि अगर पुराने समय में आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि थे उनका जो योग की तरफ जो योग की तरफ ध्यान था वो ज्यादा होता था क्योंकि योग के माध्यम से आप अपने शारीरिक रूप से जो है विकसित होते हैं। तो बहरहाल आप जीवन के साथ बने रहे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।